हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। ये गुजिया बहुत ही अच्छी बनी हुई है, एकदम खस्ता गुजिया बनी हुई है। इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत ही खस्ता बना हुआ है, तो चलिए इसको बनाकर भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, ग्राम में देखें तो ये 500 ग्राम है। जितना हमने मैदा लिया है उसका 1/4 कप घी है, ये आधी कटोरी घी, देसी घी है ये। ये 1 पिंच नमक है, इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में। इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। मोए में आप देसी घी का ही डालें, इसमें रिफाइंड ना डालें तो ज़्यादा ही अच्छा है, इससे हमारी गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ग्राम में देखें तो घी 125 ग्राम डाला है इसमें हमने। इसमें मोयम परफेक्ट है कि नहीं इसको हम ऐसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब इसमें मोयम एकदम परफेक्ट है। अब जिस कटोरी से हमने घी लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो बहुत मतलब लूज नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही डो बनाना है। आधी कटोरी पानी हमने लिया था, अभी इसमें पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी हम और लेंगे इतना। ये डो हमने सान कर तैयार कर लिया है। ये देखिए ये इतना टाइट डो सना है, और ये जितना हमने दोबारा पानी लिया था इसमें 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इसको हम ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको ढककर 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम गुजिया की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ये पैन को हमने गर्म कर लिया है, इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। ये सबसे पहले हम ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसको रोस्ट करेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट आप जो जो पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा बादाम लिया है, ये काजू है थोड़ा सा, थोड़ा सा किशमिश, ये पिस्ता है, आप इसकी जगह चिरौंजी भी डाल सकते हैं। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये बादाम और काजू और पिस्ता को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को आप हल्का सा रोस्ट करके ही डालें, इसको ऐसे बिल्कुल भी ना डालें। इसको रोस्ट करके डालने से गुजिया का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। किशमिश को बिल्कुल भी नहीं भूनना है, इसको हम ऐसे ही डालेंगे। ड्राई फ्रूट को हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी पैन में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये हमने 1 कप सूजी लिया है, इसको इसमें डालेंगे। सूजी को इसमें भून लेना है अच्छे से, तो कच्चा बिल्कुल भी नहीं डालना है इसको। सूजी को लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, हल्का ब्राउन हो जाए। सूजी को हमने 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लिया है। ये अच्छे से भुना गया है, इसका कलर बहुत एकदम चेंज हो गया है। ये देखिए एकदम सुनहरे रंग का हो गया है ये। अब इसको हम निकाल लेंगे।
150 ग्राम मावा है, जिसे खोया भी कहते हैं। इसी पैन में हम इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये मावा को हमने थोड़ा सा भून लिया है। ये सूखा नारियल का बुरादा है, इसको हमने कस लिया है कद्दूकस में। इसको भी इसी में डाल देंगे। 50 ग्राम नारियल था सूखा, जिसको हमने क्रश कर लिया था। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये 6-7 काली मिर्च है, इसको कूट कर डाल देंगे इसमें। ये 3 से 4 इलायची को दरदरा कूट लिए हैं, इसको भी डाल दिए। ये ड्राई फ्रूट को जो हमने भून के रखा था, इसको ऐसे दरदरा कूट लिए हैं। आप चाहें तो इसको बारीक काट भी सकते हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये किशमिश को भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा काट के डाल सकते हैं। ये सूजी वाले बाउल में हम इस सबको निकाल लेंगे। ये सबको हम सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, तब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। गरम में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये आटा आधा घंटा रेस्ट कर लिया है, अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल के सान लेंगे। और इसको हमने सान लिया है 2 मिनट। अब इसको ऐसे रोल रोल कर लेंगे एकदम। इसके 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब इसको अलग अलग रख देंगे ऐसे। और एक पार्ट को लेके ऐसे सिलेंडर जैसे इसको रोल रोल कर लेना है। और इसको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। यह अब एकदम ठंडा हो गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यह 1/2 कटोरी चीनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसको हमने पीस पीस में काट लिया है। अब इसको एक पीस लेके ऐसे पूरी जैसे इसको बेलना है। पूरी को हमने बेल लिया है। अभी हमने गुजिया मोल्ड लिया है। ये पूरी को ऐसे उठाएंगे और इसको इस साइड नहीं, ऐसे उलट के उल्टा साइड इस पे रखेंगे। इसको हल्का से ऐसे मोड़ लेंगे दोनों तरफ से। स्टफिंग को एकदम सेंटर में डालेंगे। ये स्टफिंग हमने डाल दिया सेंटर में और ऐसे पानी इसके चारों तरफ लगाना है। पानी लगाने से गुजिया हमारी फ्राई करते समय खुलेगी नहीं, नहीं तो सारा तेल खराब हो जाता है। इसको ऐसे दबाएंगे। इसको कट कर लेंगे ऐसे और फिर इसको फिर से दबा देंगे चारों तरफ।
खोल के इसे निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट गुजिया बनी हुई है। अब इसी तरह हम दूसरी पूरी को भी बेल लेंगे। ये इसको हमने बेल लिया, इसको बहुत पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत मोटा, ऐसे बेलना है इतना। अब इसको हम ऐसे रख देंगे, इसको कटोरी लेंगे, इसको कट कर लिए, इसको ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा स्टफिंग सेंटर में डालेंगे, इसको एकदम बीच में कर देंगे। इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे अच्छे से। और इसको ऐसे इस तरह इसको दबा के अच्छे से दबा देंगे चारों तरफ। ये हमने कांटे वाला चम्मच लिया है, इससे हम डिजाइन बना देंगे। आपके पास गुजिया मोल्ड ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया है, इसको हम चेक करें। तेल अच्छे से गरम हो गया है, बहुत ज्यादा गरम तेल नहीं करना है। अब हम गुजिया को डाल देंगे। सारी गुजिया को पलट पलट के एकदम धीमी आंच पे इसको पका लेना है। ये बहुत टाइम में नहीं पकेगा, 2 से 3 मिनट में पक जाएगी गुजिया। इसको हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा है, ये एकदम सुनहरे रंग का लग रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। हमारी गुजिया बिल्कुल बनकर तैयार है, ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये देखिए गुजिया में जरा सा भी बबल्स नहीं आए हुए हैं और गुजिया बहुत ही खस्ता बनी हुई है। ये देखिए इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। ये इसकी फीलिंग अंदर से बहुत ही अच्छी आई हुई है और पूरा अंदर भरा हुआ है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।